हेलो फ्रेंड्स, अमेजिंग किचन बाय दीपा निगम में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं कैल्शियम आयरन से भरपूर तेल मावा रोल, जो ऐसी सर्दी में आपकी और आपके परिवार की इम्यूनिटी स्ट्रांग करेंगे, पूरे परिवार को फिट रखेंगे। बनाना तो इन्हें इतना आसान है कि बिगिनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं। स्वाद तो इसका ऐसा लाजवाब है कि कब खत्म हो गए पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। पैन को गर्म करेंगी। यहाँ मैंने 250 ग्राम तिल लिए हैं, इन्हें हमें लगातार चलाते हुए भूनना है। फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है। अगर हमारे तिल जल गए तो रोल कड़वा बनेगा। तिल को हम हल्का से ही भूनेंगे, इन्हें ज्यादा डार्क नहीं करेंगे। तिल भूनने के बाद थोड़ी फूल जाते हैं, 4-5 मिनट में ही अच्छी तरह से भून गए हैं, इन्हें निकाल लेते हैं। तिल को अब हमें ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद हम इन्हें ग्राइंड करेंगे। अगर आपने गर्म में तिल को ग्राइंड कर दिया तो तिल ऑयल रिलीज कर देगा और आपका रोल ऑयली बनेगा। तिल ठंडे हो गए हैं, थोड़े से तिल हम निकाल लेंगे, इन्हें बाद में यूज करेंगे। अब बाकी सारे तिल को हम पीस लेंगे। तिल अच्छी तरह से पीस गए हैं, हमें तिल को थोड़ा सा दरदरा ही पीसना है। हमने तिल को ठंडा करके पीसा था, इसलिए तिल ने ऑयल भी रिलीज नहीं किया है। अब पैन को दोबारा गर्म करेंगे। इसमें 200 ग्राम मावा डालकर भूनेंगे। हमें मावे को बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। बस हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर मावे को इतना भूनना है कि इसका कच्चापन निकल जाए। 3-4 मिनट में ही मावा भी भुन गया है, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। मावे को हल्का सा ठंडा कर लेंगे। ठंड भी काफी है तो 1 मिनट में ही मावा भी हल्का सा ठंडा हो गया है। इसमें 250 ग्राम गुड़ डाल देते हैं। आप गुड़ को ग्रेट कर लें या बहुत छोटे छोटे इसके पीसेस कर लें, ताकि गुड़ मावे में अच्छी तरह से ईजिली मिक्स हो जाए। मावा अभी गर्म है, जिसकी वजह से गुड़ अपने आप ही मेल्ट हो गया है। इसमें ग्राइंड किए हुए तिल भी मिक्स कर देते हैं। यहीं पर आप 3-4 इलायची को क्रश करके डाल दें, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अभी ये काफी गर्म है, इसे थोड़ी देर के लिए 1-2 मिनट लगभग रख देते हैं। रोल बनाने के लिए हमें इस मिक्सचर को थोड़ा सा गाढ़ा करना है। हमें इसे भी फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना है, नहीं तो ये और लिक्विड हो जाएगा। इतनी देर में हम सिल्वर फॉइल पर थोड़ा सा घी या ऑयल लगाएंगे, ताकि रोल चिपके नहीं। अब मिक्सचर का आधा पार्ट लेकर इस पर डाल देते हैं। इसे स्पून या हाथ से फैला दीजिए, बेल कर इसे थोड़ा प्लेन कर दें। बादाम, काजू, पिस्ता की कतरन डाल दें। ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी आप यहाँ पर कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। बेलन से ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा दबाकर बेल दें, ताकि ये ड्राई फ्रूट सेट हो जाए। अब आपको सिल्वर फॉइल की सहायता से रोल को उठाते जाना है और रोल करना है, मतलब रोल को आगे करें और सिल्वर फॉइल को पीछे करें। सिल्वर फॉइल को अंदर की तरफ आपको रोल नहीं करना है। देखिए रोल तैयार है। इसे सेट होने के लिए 10-15 मिनट फ्रिज में रख देते हैं। देखिए सेट हो गया है, मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था। अब हमने जो तिल बचाए थे उन तिल को भी इन रोल्स पर लगा देंगे। इस तरह रोल्स देखने में अच्छे लगने लगते हैं। हमारे दो रोल्स रेडी हैं, इन्हें कट कर लेते हैं। आप इन्हें जरूर बनाकर देखिएगा, ये सभी को बहुत ही पसंद आते हैं। आप चाहे तो इन रोल्स पर चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं। ऐसी रेसिपी जिसमें स्वाद भी और सेहत भी, एक बार बनाना तो बनता ही है। तो आप कब बना रहे हैं तिल मावा रोल्स को, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।